तो यहाँ पर ऐसे इन लोगों के गेम्स हो जाते हैं, चल रहे रहते हैं। रिया की तरफ जब बॉल स्पिन होती है तो रिया, बॉटल स्पिन होती है रिया की तरफ, तो रिया कहती है कि मुझे क्या डेयर है। तो पीछे से अनन्या कहती है, आप ना एक प्रॉपर ना सूप बना कर ले आओ, वही डेयर है। कम से कम सूप अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बेचारी नव्या ने आपके हाथ का सूप पिया था जो इतना बेकार था, पर उसने बिना कुछ बोला। तो रिया एकदम शॉकिंग से देखती, इतना गंदा था। तो नव्या की तरफ देख के बोलती है, बीबी इतना गंदा था। तो नव्या बोलती, नहीं, अच्छा था, आप ट्राई कर रहे हो ना, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब हंसते रहते हैं, लेकिन उसको फिर बोला जाता, छोड़ो मेरी डेयर। तो वो कहते हैं, अरे आपकी, आपको डेयर देने वाले हम कौन होते हैं, आपको डेयर देने वाली तो आपकी नव्या है, वो आपको डेयर देगी। बट नव्या कुछ डेयर नहीं देती है और बोलती है, चलो हो गया, अभी चलते हैं। तो ये लोग, नव्या को थोड़ा सा हैंड पे पेन हो रहा रहता है, थोड़ा सा लाइट पेन हो रहा रहता है, तो सबके सब ऊपर रूम पे चले जाते हैं, नव्या के बेडरूम पे। नव्या तो मिड पे बैठी रहती है, बाजू में हमारी नताशा आके बैठ जाती है उसके राइट हैंड के साइड में, क्योंकि उस हैंड के साइड में मूवमेंट करना पॉसिबल रहता है। तो हमारी नताशा बहुत मस्ती के मूड में रहती है, उधर आके बैठ जाती है। रिया उसके लेफ्ट हैंड में बैठी रहती है और जॉर्ज हमारा काउच पे बैठा रहता है, आलिया और रिया वहाँ बैठे रहते हैं। हाँ, और हॉरर मूवीज़ रहती है, पॉपकॉर्न्स रहते हैं, ड्रिंक्स मंगाई जाती है, और सबके सब मूवीज़ एंजॉय कर रहे रहते हैं। जब मूवीज़ एंजॉय कर रहे रहते तो जो नताशा है उसको तो बहुत ज़्यादा शरारत सूझी रहती है। तो वो ऐसे हॉरर मूवी को ऐसे बोलते हैं, वो मुझे डर लग रहा है, डर लग के धीरे धीरे क्लोज हो रही रहती है हमारी आलिया, हमारी नव्या के पास। और हमारी जो नव्या है वो भी मतलब देख रही रहती है, उसे पता रहता है कि चल क्या रहा है, बट वो रिया की तरफ देख के बस इंजॉय कर रही रहती है मोमेंट को। और आपको पता है जैसे कि हमारी जो नव्या है वो ज़्यादा बात करती नहीं है, उसे एक्शंस मतलब वो अपने एक्शंस पे ज़्यादा बिलीव करती है रादर देन टॉकिंग, वो बहुत लिमिटेड बात करती है। तो क्या रहती है, तो पहले तो थोड़े टाइम तक हमारी रिया ऐसे कैजुअली लेती है, फिर उसको बहुत बुरा लगने लगता है, और फिर सडनली से बुराई बुरा इतना हो जाता है कि उसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो तो ऐसा लग रहा था कि बस वहाँ से उठ के नताशा को उठा के फेंक दे और उधर आकर बैठे, लेकिन वो शांत रहती है। सेम चीज़ हमारी जो आलिया रहती है, बैठी रहती है, तो अनन्या डर रही रहती है और आलिया हमेशा सपोर्ट कर रही रहती है नव्या, अनन्या को कवर कर रही रहती है, वो डर रही रहती है तो उसे कवर करती। जॉश बस मोमेंट को एंजॉय कर रहा रहता है, क्योंकि वो नताशा की को देखे हुए उसको इतना टाइम हो चुका रहता है कि नताशा की वो क्यूट क्यूट हरकतें जो आखिर वो हमेशा से मस्ती करती थी, वो ऐसी लोगों को टीज करती थी, वो सब वो बहुत मिस करता था, तो वो सिर्फ उसे देख रहा था। हाँ, मूवी में तो ज़्यादा किसी का फोकस था नहीं, लेकिन सब अपने अपने मूवमेंट्स कर रहे थे, कोई ड्रिंक्स ये सब करके एक दूसरे को देख के इंजॉय कर रहा था। सडनली से इस बार नताशा एकदम से ओह करके, मतलब हॉरर सीन होता है, चिल्लाती है और हग करने ही वाली रहती है नव्या को, तो रिया एकदम से नव्या का चेहरा अपनी तरफ करती है, उसे किस कर देती है, और किस बहुत डीपली करती है, और सब शॉक्ड हो जाते हैं ये क्या हुआ। एट अ मोमेंट में इतनी ज़्यादा मतलब डेयरिंग तो रिया की देखने लायक थी यार, सबके सब बैठे, उसने एक मिनट भी नहीं सोचा और किस कर दिया। किस कम से कम 5 से 6 मिनट चलता है, और वो एकदम से उसको छोड़ती है और वो ब्लैंकेट के अंदर अपना सर सर रख कर एकदम छुप जाती है। तो नव्या सोचती है ये क्या हुआ, मतलब किस तो कर दिया, किस करने के बाद खुद ही ब्लैंकेट के अंदर, और एकदम शर्मा के वो ब्लैंकेट के अंदर होके धीरे से अपना हाथ नव्या के हाथ में रखती है और उसे टाइटली नीचे से मतलब ब्लैंकेट के अंदर से हग कर रही रहती है। तो वो समझ जाती है कि उसको शर्म आ रही है, तो वहाँ पे तो सब पड़े ही रहते हैं, समझदार रहते हैं, तो सब उठ के धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं। नताशा भी बोलती है, इंजॉय योर मोमेंट, हम जा रहे हैं।
नताशा चली जाती है। नताशा जब वहाँ से जाती है तो वो गार्डन एरिया में वहाँ जाके, क्योंकि रात का समय रहता है, ठंडी ठंडी हवाएं बहुत चल रही रहती है, और नताशा उस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए वहाँ जाती है। जॉश भी चला जाता है, जॉश अपने रूम की तरफ जा रहता है, लेकिन जब वो नताशा को वहाँ पर जाते हुए देखता है तो वो भी गार्डन की एरिया की तरफ चले जाता है, क्योंकि उसे भी तो कहीं ना कहीं नताशा के साथ बहुत कुछ बातें करनी थी। हमारी आलिया, हमारी जो अनन्या रहती है, वो इतनी टेरिफाइड हो जाती है मूवी देखकर कि वो कहती है मेरे साथ रूम पर चलो, मुझे रूम पे अच्छे से छोड़ो। तो वहाँ पे हमारी आलिया उसको रूम पर लेके जाती। अब इसके आगे होता क्या है कि अभी तक तो स्वीट स्वीट मोमेंट्स बचे हैं ना, इसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय टिल, एंड इफ़ यू लाइक माई शेयर्स, लाइक सब्सक्राइब्स एंड शेयर्स, एंड थैंक यू।